बाबर है ये कितने दांत है? चार दांत है भाई। चेक करा है यानी। हाँ चार दांत। चार दांत है। तो बस है वो ठीक है। अच्छा मैंने याद आता है कि गब्बर है। हाँ नहीं गब्बर। कितने महीने में? दो समय ऐसे लिख दे तो कोई नहीं तरीक। साला दो या ढाई महीने आ गई कमाने लाने जी। दो ढाई। बकरा केड़ा जेड़ा है क्रॉस बकरा इस बकरे अपने तो कोनी होई होई दोगले तो करीब आ जा भाई। हां जी इनके साथ सौदा मारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज ही बेसिकली इनके पास आने का जो मकसद है ना वो ये पट का कुछ देर से हमारा चल रहा था आपस में सौदा वो फाइनल करना है तो बड़ा सोच समझ के लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बस जानवर देखा ले लिया उसे मैं देखता हूँ फिर मैं उसे छोड़ जाता हूँ लेता नहीं और फिर थोड़ा सा टाइम इन्हें देता हूँ सोचने का थोड़ा सा टाइम अपने आप को देता हूँ सोचने का तो जब किसी नतीजे पे पहुँचते हैं फिर उसको फाइनल करते हैं। तो सारी छोटी ही पट्ठे मिल रही थी या बिल्कुल बच्चे इकट्ठे कर रहे हैं हम तो मैंने सोचा कि कुछ जानवर बीच में एक दो जो है ना वो बड़े भी होने चाहिए। इस पट का इसलिए लेने का इरादा बना कि ये चार दांत पे आके क्रॉस हुई है तो ये अपना काफ़ी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन कर गई है ठीक है वरना ये आम तौर पे खीरी बकरियां क्रॉस करवा पट्ठे क्रॉस करा देते हैं या फिर दो दांत क्रॉस करवा देते हैं तो उन भाई तू खड़ा हो के बना हमने ज़मीन पर बैठ के नहीं बनानी जो दिख रही है लोगों को समझ आ जाएगी। तो ये आज ना बाबर भाई से लेने आए हैं अभी वही वाली बात कि ये बकरी भी तकरीबन एक माह इनके पास ही रहेगी इनको पेमेंट जो है वो अभी कर देंगे और ये हमारा इनके साथ जो तय हुआ है ये 75,000 रुपया मांग रहे थे इसका तो जो कि मुझे ज़्यादा लगा क्योंकि इसकी अगर तो ये इनके अपने ब्रीडर से क्रॉस हुई होती तो फिर तो वो समझ में आता था वो भी थोड़ा बहुत हम नीचे करते हैं इनके साथ लेकिन ये कहते हैं कि इन्होंने सीधी बात की यार ये ब्रीडर जो है ना हमारा यहाँ था नहीं तो कोई और बकरा फिर रहा था उसने क्रॉस कर दिया। वो बकरा है केड़ा सी नस्ल केड़ी तो फिर दा दोगला ही है जी दोगला किड्डा का दोगला है केड़ी नस्ल को ए दोगले समय क्रॉस होने ने समय ए दे ए क्रॉस सी ऐसे नस्ल क्रॉस ऐसे क्रॉस है कोई टेडी दोगले समझ ले ना टेडी दोगला ओ तोड़ा क्या जी बहरहाल जी ये कोई आम से देसी बकरी जैसे हम देसी यहाँ कहते हैं जो दोगला इसमें ना अमृतसरी में वगैरह में और टेडी में क्रॉस जो होते हैं ये मीट पर्पज़ के लिए जो ब्रीड रखी जाती हैं तो उसमें कोई बकरा था उसने क्रॉस कर दिया। बहरहाल कोई बात नहीं डिलीवर करेगी तो उसको हम मीट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर लेंगे लेकिन सबसे मेन चीज़ यह है कि चार दांत है चार दांत पर क्रॉस हुई है तो इसको नेक्स्ट जब हम आगे फिर एक साल टाइम देंगे तो ये अपना कद काठ जो है वो अच्छा अचीव कर जाएगी। जो मुझे इसमें खूबी नज़र आई है एक तो जानवर सारे लाल इकट्ठे हो रहे थे तो ये काली है मुझे ज़ाती तौर पर काला जानवर पसंद है वैसे करीब आवाज़ कम जाती है। दूसरा इसका ये जो चीज़ देखी जाती है सींग शींग ठीक है वो खूबसूरत है इसका माथा अच्छा है ठीक है नाक मुँह अच्छा है बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं है जैसे बिल्कुल तोता नाक कहते हैं मुनासिब फेस में है कान भी मुनासिब है बहुत ना तो मैं बहुत कहूँगा कि हाई फाई भी नहीं है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी भी नहीं है लेकिन ठीक है अच्छे कान में अच्छी जिसामत में जोड़ शोड़ अच्छे हैं बकरी के। तो ये इनके साथ जो है वो हमने अब फाइनल की है और चलें ये भी बता देते हैं ये 60 में फ़ाइनल हुई है जी इनके साथ तो ये इसकी पेमेंट करके तो अब हम चले जाएंगे बाकी अल्लाह के सपुर्द और इनके सपुर्द फिर महीने डेढ़ तक जो है वो जब मौसम चेंज होगा क्योंकि अभी इस मौसम में मैं नहीं समझता कि जानवर को शिफ्ट करना जो है वो मुनासिब है पहले हमने एक गलती की है और उसका नुकसान हुआ है तो ये जो भी रूटीन की है चारे की और ये ख़ास तौर पे लांगी दे रहे हैं और साथ में लांगी कहते हैं किक्कर के छापों को उसके साथ शरीं दे रहे हैं उसके साथ बेरी दे रहे हैं
तो जानवर इनके इस हिसाब से ठीक है, बड़ी स्कोर इतने माठे नहीं है, तो ये इनका ट्रेडिशनल तरीका है शुरू से, तो उस पर चल रहे हैं। जहाँ इतने बड़े हो गए हैं वहाँ आगे भी महीना डेढ़ इनको कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, तो फिर फर्दर जो है वो इसकी रूटीन भी चेंज करेंगे।